दो फ्रेंड्स के ट्रिप पर आने के बाद उन दोनों को एक ही पेंटर से प्यार हो जाता है, पर उस पेंटर की एक अब्यूसिव एक्स वाइफ थी जो फिर से उसके लाइफ में वापस आ जाती है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना 2008 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में देखेंगे। ये प्यार वो एक बहुत ही अच्छी कॉमेंट्री कर जाती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर्स विकी और क्रिस्टिना को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। इन्होंने डिसाइड किया कि समर ब्रेक अपना बार्सिलोना में स्पेंड करेंगे। विकी के कुछ रिलेटिव्स थे जो उन्हें अपने घर पर वेलकम करते हैं। इन दोनों के ख्याल तो बहुत सारे मिलते थे, पर प्यार को लेकर इनके व्यू पॉइंट बहुत ही अलग अलग थे। विकी को प्यार में हमेशा एक सेफ्टी अच्छी लगती थी, वो एक कन्वेंशनल मैन चाहती थी जो उसे प्रोवाइड कर सके। इसी के ऑपोजिट में क्रिस्टिना एकदम अलग थी, वो प्यार पाने के लिए रिस्क लेना चाहती थी। उसके पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप थी वही रिलेशनशिप वो नहीं चाहती थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर उसे जिस तरीके से पार्टनर चाहिए उसी तरीके से पाने के लिए वो बहुत ही ज़िद्दी थी। ये दोनों विकी के रिलेटिव्स के पास आए। इनका घर बहुत ही ब्यूटीफुल था। लंच के वक्त बात करते हुए क्रिस्टिना ने एक 12 मिनट की लव के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, इसके बारे में जिक्र होता है। क्रिस्टिना को लगता है कि वो अच्छी फिल्म मेकर नहीं है, वो सिर्फ आर्ट को अप्रिशिएट कर सकती है। रिलेटिव्स का नाम था जूडी और मार्क। जूडी को लगता है कि क्रिस्टिना को एक लड़का बहुत ही पसंद आएगा, तो उसके साथ उसकी डेट फिक्स करती है। ये दोनों एक बहुत ही अच्छी सी बोर्ड लेकर डेट पर गए, पर क्रिस्टिना को इतना अच्छा नहीं लगता। विकी को यहाँ का आर्किटेक्चर और म्यूजिक बहुत ही पसंद था, तो यही सब देखते और सुनते हुए वो अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करती थी। एक दिन ये सब एक आर्ट एग्जीबिशन में आए। क्रिस्टिना एक आर्टिस्ट को नोटिस करती है, इसका नाम था जॉन। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। इसके बारे में क्रिस्टिना ने जूडी से पूछा। जूडी कहती कि वो एक पेंटर है। अभी अभी उसका एक बहुत ही बड़ा डिवोर्स हुआ है, उसकी वाइफ ने उसे मारना चाहा था। क्रिस्टिना को बहुत ही पसंद आया था। रात में क्रिस्टिना और विकी एक जगह पर जब डिनर करने के लिए गए थे, तो वहीं पर जॉन डिनर करने के लिए आया हुआ था। वो बार बार उसे देख रही थी और विकी से कहती कि ये तो वही पेंटर है। विकी ने कहा कि प्लीज़ उसे कुछ भी सिग्नल मत दो। फिर भी क्रिस्टिना जॉन को बार बार देख ही रही थी, तो जॉन आकर क्रिस्टिना को अप्रोच करता है। उसने क्रिस्टिना से पूछा, तुम्हारी आंखों का कलर क्या है? क्रिस्टिना कहती कि ब्लू है। जॉन फिर उसे एक ऑफर देता है, कहता है कि मैं ओवीडियो जा रहा हूँ, आज रात मैं यहाँ से फ्लाइट लूँगा और वीकेंड वहाँ पर ही स्पेंड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। विकी को यह बात बहुत ही अजीब लगी। वो कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ पर करेंगे क्या? जॉन ने कहा कि हम वहाँ पर एंजॉय करेंगे, आसपास की चीज़ें देखेंगे, अच्छा डिनर करेंगे और इसके बाद हम सब मिलकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। विकी ने इसके लिए उसे साफ साफ मना कर दिया। जॉन ने कहा कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है और हमें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। विकी ने कहा कि अगर तुमने हमें सिर्फ ड्रिंक के लिए पूछा होता तो ये बात ठीक थी, पर अब तुम अलग सिटी में डायरेक्टली प्लेन से उड़ाकर हमें लेकर जाना चाहते हो, ये कुछ ठीक नहीं है। जॉन क्रिस्टिना से पूछता है, क्या ये हमेशा इसी तरीके से ओवर एनालाइज करती है? क्रिस्टिना एक्साइटेड थी तो उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। विकी क्रिस्टिना के लिए केयर करती थी, इस तरीके से अकेले उसे वो जाने नहीं दे सकती, तो इसीलिए उसी के साथ वो आए। ये जब एक छोटे से प्लेन में जा रहे थे तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, पर जॉन इससे थोड़ा सा भी नहीं डरता। वो तो क्रिस्टिना को लेकर मजाक कर रहा था कि तुम भी ये प्लेन उड़ा सकती हो, एक कार की तरह है। ये एक अच्छे से होटल पर आए, विकी और क्रिस्टिना अलग रूम लेते हैं। जॉन उन्हें अलग अलग जगह पर लेकर जाता है। प्यार के बारे में बात करते हुए उसने कहा कि प्यार हमेशा बेहतर रहता है, हम किससे प्यार करें ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। क्रिस्टिना को हमेशा ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी, तो उसका अच्छा टाइम गुजर रहा था। रात में जॉन उन दोनों को अपने रूम में बुलाता है, पर विकी ने कहा कि मैं एंगेज्ड हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्रिस्टिना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। जॉन ने क्रिस्टिना से पूछा कि तुम किस तरीके का पार्टनर चाहती हो? क्रिस्टिना कहती कि मुझे पता नहीं है, जिन भी मैं रिलेशनशिप में थी उसके बाद मुझे पता चला कि इस टाइप की रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर अचानक से क्रिस्टिना की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अल्सर की प्रॉब्लम थी और आज उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो इस वजह से अब एक दो दिनों के लिए उसे रेस्ट करना पड़ेगा। अब घूमने के लिए सिर्फ विकी और जॉन ये दोनों अकेले ही थे। जॉन ने विकी को सॉरी कहा कि उसे क्रिस्टिना की कंडीशन के बारे में पता नहीं था। विकी कहती को इसी तरीके से केयरलेस है, इसी वजह से मैं यहाँ आने से डर रही थी। इसके बाद जॉन विकी को अलग अलग प्लेसेस पर लेकर जाता है। उसने कहा कि मेरे फादर यहीं पर रहते हैं, पर अगर तुम्हें बोर हो रहा होगा तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। विकी कहती कि हमें उनसे मिलना चाहिए। जॉन के फादर एक पोएट थे, इसी वजह से वो इंग्लिश नहीं सीखते। वो पोएट्री लिखते तो है पर कभी भी पब्लिश नहीं करते। विकी ने पूछा कि ऐसा क्यों? जॉन कहता है कि इस वर्ल्ड पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है।
हम दुनिया में इतने सालों से पर फिर भी एक दूसरे से प्यार कैसे करना है ये अब तक हमें पता नहीं है। इसी गुस्से की वजह से उसके फादर कभी भी अपनी पोएट्री पब्लिश नहीं करते। आज विकी को जॉन को जानने का टाइम मिला और उसे वो अच्छा लगता है। रात में डिनर करते वक्त विकी को उसके फियांसे जिसका नाम है डग उसका कॉल आता है। कॉल पर बात करते हुए वो अनकंफर्टेबल थी। जॉन ने इस बात को लेकर उसे कन्फ्रंट किया पर विकी इस बात को मानती नहीं। पर उसे भी अपने मन में पता था कि डग और उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। बात करते करते जॉन को पता चला कि विकी को म्यूजिक अच्छा लगता है। एक ब्यूटीफुल सी जगह उसे पता थी जहाँ वो उसे लेकर गया। विकी को बहुत ही अच्छा लगता है। विकी ने नोटिस किया कि म्यूजिक सुनते वक्त जॉन के आंखों में आंसू थे। इसके बारे में उसे पूछ लेती है। जॉन को अपनी एक्स वाइफ मरिया की याद आ रही थी। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे पर हमारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो मिसिंग था। विकी को भी यही बात डग के साथ लगती थी। विकी ने जॉन से पूछा कि तुम मुझे देख क्यों रहे थे। जॉन ने कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। अब इनका वीकेंड खत्म हो चुका था तो सब फिर से बार्सिलोना वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए तो जॉन क्रिस्टिना को कॉल करता है। उसे एक विनयार्ड में डेट के लिए लेकर जाना चाहता था। ये बात क्रिस्टिना एक्साइटेड होकर विकी को बताती है पर विकी को इस बात से बहुत बुरा लगा। वैसे भी उसकी शादी होने वाली थी तो जॉन के साथ अपना अफेयर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। एक रात उसे डग का कॉल आता है। डग को आइडिया था कि वो बार्सिलोना में शादी कर सकते हैं। इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। वीकेंड की वजह से विकी को बुरा लग रहा था तो अपनी एक्साइटमेंट वो ज़्यादा दिखाती नहीं। अर्लल में जॉन और क्रिस्टिना की डेट बहुत ही अच्छी गई थी तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो हमेशा एक दूसरे को मिलने लग गए। इस सिटी घूमते थे, जॉन के फ्रेंड से मिलते थे। ये सब चीज़ें क्रिस्टिना को बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि वो हमेशा इन सब आर्टिस्ट में रहना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए विकी जॉन से टकराए। जॉन ने कहा कि हम एक दूसरे को गुड बाय नहीं कह पाए थे। जॉन ने कहा कि तुम मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी थी पर तुम्हारी शादी होने वाली है तो इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा। वो कहता है कि अब मुझे क्रिस्टिना अच्छी लगती है। वो विकी को उसके मैरिज के लिए बेस्ट ऑफ लक करता है और इसके बाद वो यहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डग बार्सिलोना में आ गया था। इस बार विकी के साथ होना उसे अलग ही लगता है। उसकी एनर्जी ज़रा अलग थी। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टिना और जॉन के बारे में दोनों बात कर रहे थे। डग कहता है कि क्रिस्टिना बहुत ही दुखी है और इसी वजह से ये सब चीज़ें वो करती रहती है। उसने अपने दिमाग में खुद की एक इमेज बना कर रखी है और उसे लगता है कि वो सबसे अलग है। जॉन और क्रिस्टिना की डेटिंग अच्छी चल रही थी तो जॉन ने क्रिस्टिना को उसके साथ रहने के लिए बुला लिया था। एक दिन ये प्लान बनाते हैं, विकी और डग को उन्होंने डिनर के लिए इन्वाइट किया। डग को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था पर विकी उसे फोर्स कर जॉन से मिलने के लिए आ जाती है। लंच करते वक्त जॉन टेबल के नीचे से क्रिस्टिना को पैर लगाना चाहता था पर एक्सीडेंटली विकी को लग गया। वो जॉन से बात करती है और कहती है कि डग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। जॉन कहता है कि तुम एक दूसरे को सूट करते हो। विकी कहती कि हम दोनों की रात के बारे में मैंने बहुत बार सोचा था पर हम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता। जॉन कहता है कि तुम ये सब क्यों बात कर रही हो। विकी ने कहा कि तुम टेबल के नीचे से मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। जॉन इसके लिए उसे सॉरी कहता है। उसने सब कुछ क्लियर किया। वो कहता है कि क्रिस्टिना और मैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही सही है। इसके बाद विकी और डग की शादी हो जाती है। जॉन इस शादी में आया नहीं था। उसने अपनी एक पेंटिंग उन्हें एज ए वेडिंग गिफ्ट दी थी। एक रात जॉन को अपनी एक्स वाइफ मरिया के बारे में न्यूज़ मिलती है। मरिया ने खुदकुशी करने का ट्राई किया था। वो हॉस्पिटल में थी तो जल्दी से जॉन उसे देखने के लिए चला जाता है। इस सब की वजह से क्रिस्टिना सो नहीं पाए। थोड़ी देर में जॉन मरिया को अपने घर पर लेकर आया। जॉन मरिया को घर में एक रूम देता है। क्रिस्टिना ने पूछा कि यह सब चल क्या रहा है। जॉन ने कहा कि मरिया के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, हमें उसे हेल्प करनी पड़ेगी। उसने अपने सारे कनेक्शंस और पैसे सब कुछ खो दिया है। उसे साइकेट्रिक हेल्प की भी ज़रूरत थी। कृष्णा पूछती कि वो कितने दिन रहेगी। जॉन कहता है कि 3-4 महीने तो रहेगी। वो ज़रा इनसिक्योर थी तो जॉन ने कहा कि हमारे बीच में कुछ भी होने नहीं वाला। हम कितना भी एक दूसरे से प्यार करें पर हमेशा कुछ ना कुछ तो मिसिंग ही रहेगा। जब जॉन मरिया के पास आया तो मरिया कहती है कि मैं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड पर ट्रस्ट नहीं करती। हमेशा हर एक लड़की को लेकर मरिया को ऐसा ही लगता था। जॉन उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मरिया जॉन से कहती है तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, तुम हमेशा मेरी जैसी ही लड़की ढूंढते रहोगे। जॉन ने कहा मैं और एक लड़की से मिला था जो तुम्हारी अपोजिट थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर वो विकी के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन जब ये लंच कर रहे थे तो मरिया क्रिस्टिना के बारे में जान लेती है। क्रिस्टिना ने कॉलेज में चाइनीज लैंग्वेज सीखी थी तो उसे स्पेनिश नहीं आती। इस बात का मरिया मजाक उड़ाती है। जॉन ने मरिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा क्या तुम्हें मेरे साथ पेंटिंग करनी है। क्रिस्टिना सरप्राइज थी कि मरिया को भी पेंटिंग आती है। मरिया ने कहा मैं इन सब चीज़ों में मास्टर हूँ। जॉन का पूरा स्टाइल उसने मुझसे ही कॉपी किया है। जॉन ने कहा कि मरिया अपने माइंड में कुछ भी इमेजिन करती है।
जब मरिया पेंटिंग कर रही थी तो क्रिस्टिना जॉन के पास आई, उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर जॉन ने कहा कि अच्छा आइडिया नहीं है, मरिया को यह अच्छा नहीं लगेगा। क्रिस्टिना मरिया से जेलस थी कि उसे पेंट करना आता है, उसे उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जॉन ने कहा कि तुमने जो मुझे म्यूजिक सुना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ भी बहुत खुश था। पैरेलल में हम देखते हैं कि विकी ने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया था। उसके क्लास में एक बेन नाम का लड़का था जो उसे पसंद करता है। एक दिन उसने उसे मूवी चलने के लिए पूछा। मूवी के बाद जब एक ग्रोसरी ले रहे थे तो उसका हाथ पकड़ता है। विकी ने कहा कि मैं सब नहीं कर सकती। बेन ने कहा कि तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, इसी वजह से मैंने ये सब किया। विकी इस बात से डिस्टर्ब होके उसे जॉन के बारे में बताती है। उसने कहा कि जो लड़का मुझे पसंद था मैंने उसी के साथ शादी की है, पर जब वो जॉन के साथ होती है तो अचानक से उसे कुछ अलग हो जाता है, वो ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। एक दिन जॉन, मरिया और क्रिस्टिना ये सब ट्रिप के लिए गए थे। जॉन के नेक में पेन होने लग गया तो मरिया उसका मसाज करती है। उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता है, इसी वजह से ये सब चीज़ें होती रहती है। बातों बातों में क्रिस्टिना को पता चला कि मरिया पियानो भी बजाती है। क्रिस्टिना का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लूज हो गया। उसने कहा कि मैं सिर्फ आर्ट को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती। जॉन ने कहा कि तुम्हें तो फोटोग्राफी अच्छी लगती है। मरिया ने भी क्रिस्टिन की बैग चेक की थी, उसे भी उसकी फोटोग्राफ अच्छी लगी थी। इसके बाद जॉन और मरिया ये दोनों क्रिस्टिना को इनकरेज करते हैं, उन्होंने उसे अलग अलग टेक्निक सिखाई। मरिया के कहने पर क्रिस्टिना ने एक ओल्ड कैमरा भी बाय कर लिया था, वो उसकी बहुत सारी फोटोज निकालती है। पैरेलल में हम देखते हैं कि विकी डग के फ्रेंड्स के साथ वीकेंड स्पेंड करती है, पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसके रिलेटिव जूडी की यहाँ पर पार्टी थी, वहाँ पर उसने जूडी को किसी और आदमी के साथ देखा। जूडी विकी को समझा दी कि जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा उस आदमी के साथ अफेयर नहीं चल रहा, पर फिर भी अपनी शादी से खुश नहीं है, बहुत सारे साल हो चुके वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। उसने अपनी थेरेपिस्ट के साथ भी बात की थी, थेरेपिस्ट ने कहा किसी और के साथ अफेयर करना ये इस बात का सोल्यूशन नहीं है। यही सेम सिचुएशन से विकी गुजर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टिना को लगने लग गया था कि वो मरिया और जॉन के बीच में आ रही है। मरिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे बीच हो इसी वजह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वैसे तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ते रहते हैं। क्रिस्टिना ने कहा कि क्या तुम जेलस नहीं होती। मरिया कहती कि तुम दोनों को देखकर मुझे फिर से फीलिंग्स आने लग गई है। क्रिस्टिना ने कहा कि अगर तुम दोनों को इंटीमेट होना है तो इससे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, पर बाद में इस बात को जाने देती है। इस सारी सिचुएशन के बारे में उसने विकी से बात की। क्रिस्टिना को लग रहा था कि एक साथ तीन लोग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये सारी बातें डग को बहुत ही अजीब लगी। क्रिस्टिना ने कहा कि मैं जब उनके साथ होती हूँ तो मेरा आर्टिस्टिक टैलेंट बाहर आता है, वो भी अच्छे अच्छे फोटोज लेने लग गई थी। एक दिन डार्क रूम में क्रिस्टिना और मरिया ये दोनों भी इंटीमेट हुए थे। ये सब बातें क्रिस्टिना को थोड़ी भी अजीब नहीं लगती, पर डग को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। क्रिस्टिना कहती कि सब कुछ चीज़ एकदम फ्लो में हो गई, इसके बारे में वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। इन तीनों की रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ी। ज़रा टाइम गुजर गया और फिर क्रिस्टिना को अलग फीलिंग आने लग गई। हमेशा ब्रेकअप करने से पहले उसे जो लगता था वही अब लगने लग गया था। वो इस टाइप की रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहती थी। वो ये सब चीज़ें जब उन्हें बता देती है तो मरिया इससे बहुत ही अपसेट हो गई थी। जॉन उसे संभालता है और कहता है हर कोई यहाँ पर पीस ढूंढना चाहता है, अगर क्रिस्टिना हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो ये भी ठीक ही है, शायद ज़िंदगी के मोड़ पर वो फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विकी जॉन को लेकर जो भी फील कर रही थी ये सारी चीज़ें जूडी को बता देती है। जूडी को लगता है कि विकी को अपना हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए, जॉन के पास वापस जाना चाहिए। विकी इस बात को लेकर बहुत ही अनश्योर थी, वो अपनी एक सेफ फ्यूचर को छोड़कर जॉन के पास कैसे जा सकती है। जूडी उसे फोर्स करने लगे तो विकी कहती है तुमने खुद कुछ नहीं किया और इसी वजह से तुम मुझे फोर्स करना चाहती हो। क्रिस्टिना के जाने के बाद मरिया और जॉन के बीच में फिर से फाइट्स होने लग जाती है। मरिया फिर से उसे छोड़कर चली गई। जूडी चाहती थी कि विकी और जॉन फिर से मिले तो अपने फ्रेंड की हेल्प लेकर उसने एक पार्टी रखी। पार्टी में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जॉन ने कहा कि मैं अब मरिया और क्रिस्टिना के साथ नहीं हूँ। विकी ने कहा कि मैं डग के साथ खुश हूँ। जॉन कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, कल मुझे आकर लंच के लिए मिलो। विकी इन सब बातों की वजह से डर गई थी। अगले दिन वो डग के साथ बाहर थी तो जॉन ने उसे फिर से कॉल किया। डग पूछता है कि किसका कॉल था। विकी ने कहा कि वो मेरे टीचर का था, कंट्री से जाने से पहले वो मुझसे मिलना चाहता है, तो डग कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। विकी फिर अच्छे से रेडी हुई और जॉन के पास आई। इनका लंच बहुत ही अच्छा था। जॉन उसके पास आने लग गया तो विकी कहता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम कभी भी अपनी एक्स वाइफ को भूलोगे नहीं। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे किस करने लग गया तभी मरिया यहाँ पर पहुँच गई।
उसके हाथ में गन थी, उन्हें शूट करने लग जाती है। फाइनली वो खुदकुशी करने वाली थी, पर जॉन उससे गन ले लेता है। मरिया फिर से जॉन से वो गन छीनने की कोशिश करती है तो विकी के हाथ को गोली लग जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से वो समझ गए कि मरिया और जॉन दोनों बहुत बड़े पागल हैं। वो फिर से डग के पास वापस आ गए। डग उसका हाथ देखकर उसके लिए बहुत ही केयर करता है, वो उसे बहुत प्यार करता था। अगली सीन में हम विकी और क्रिश्चिना को बात करता देख सकते हैं। जो भी हुआ था ये सब विकी कृष्णा को बता देती है। कृष्णा ने कहा कि अगर मुझे कोई भी आइडिया होती तो मैं खुद रास्ते से हट जाती। विकी ने कहा कि ये सब एक पागलपन था, वो डग से ही प्यार करती है। इसके बाद ये सब मिलकर फिर से अमेरिका वापस चले जाते हैं। ये मूवी हमें बता कर जाती है कि प्यार एक कमिटमेंट होता है। अगर हम हमारे इंस्टिंक्ट को फॉलो कर कुछ भी करने लग गए तो इसका अंत अच्छा नहीं होता। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।